नहीं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास ब्लॉग। कल रात हम लोग काफ़ी लेट में आ गए थे, थोड़ा सा मेहनत के बाद मिला, लेकिन अच्छा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो अपना रूम का कंडीशन कैसा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा सब बैग जो इधर उधर बिका हुआ पड़ा हुआ है। रात को मैं ब्लॉक को एंड कर नहीं पाया था, हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे, और वैसे भी उसको लगा हुआ सारा इधर उधर बिखरा पड़ा है। गया हुआ है आज हम लोग जाएंगे यहाँ से प्रयागराज से 200-300 किलोमीटर आगे जाएंगे, क्योंकि कल हम लोग ज़्यादा चला नहीं पाए थे, करीबन 500 किलोमीटर करीब हम लोग चलाए थे। वैसे भी रास्ता बहुत ऑफ रोड था, बहुत ख़राब था, उसी वजह से हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। देखते हैं आज कितना दूर तक हो पाएगा, टारगेट है 650 किलोमीटर तक हम लोग चलाने का। अभी निकल जाएंगे, अभी टाइम हुआ है करीबन 6 बजे का, हम 6:30 बजे 6:45 तक यहाँ से निकल जाए। ओके, एंजॉय द ब्लॉग, बेस्ट ऑफ लक। अरे रनवा कंदा जो मॉर्निंग दादा, वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक आधी के रास्ते पर गया थे, फिर राइट लेके मारूंगा मारूंगा। हां, आज का 623 किलोमीटर टारगेट होचे। अच्छा, सिंगम बटे जमा को तो एटा मिर्जापुर की करी। हां, प्रयागराज आपके। हां, देखो आज का टारगेट पूरा कर पर कल का तो रोड बहुत खराब थीला। हम आ वर्षा भी हल्का फुल्का टिके देखे लिए घुमरी बाहरी पड़ चुकी थी। अरे रिकॉर्ड कर रहा है वो आज का। देखो वर्षा है रेनकोट पिनवा नहीं है, घुमरी बारी पड़ू छे एते गरम आ रोड बहुत खराब, लेकिन इनो लोग माने बहुत अच्छा हेल्पफुल है। जा के जेंडा पजरा ले राइट सजेशन दउ छ, किछ एक ठोका ठोकी किछ ना करवा। आ देखो पहला दिन तो जई छे 2 नंबर दिन है, काना आके हो छे। ओ ठीक हो जे, नानू बार इंटरव्यू सुन ले गया दादी के पादिक बाहर ले नो। अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, किन जगह थे वो नानो बेटा? रेनकोट। हाँ, हम लोग ठहरे थे रेनकोट, रेनकोट में ठहरे थे। लगभग ये संबलपुर से अराउंड 500 किलोमीटर्स होगा। ठीक है, अभी देखो अपना नानो भाई क्या क्या बोल रहे हैं। बेटा सामान वही वाला खाली खतरा है, बहुत बड़ा कष्ट। हाँ, अरे नानू भाई सब सामान नीचे लेकर के जा रहे हैं। सामान भी बाटा पाके लॉज के जे चढ़ा को और देन उतरा को ना पाड़ बाटा। चल चल जल्दी। अरे हमें नु कुली भी हो चुके हैं। अरे लोग है दिया, मैं कुली हूं, मैं कुली हूं। हां, ये था अपना रूम था भैया। अभी देखो नानू भाई जा रहा है, ये कितना लंबा भाग रहा है। अभी हम लोग चेकआउट करेंगे रूम को। अभी चाय पानी तो कुछ इतना हुआ नहीं, जल्दी रास्ते में कहीं पर चाय पानी करेंगे, फिर हम लोग प्रयागराज पहले पहुंचेंगे करीबन 12 बजे तक टारगेट रखे हैं। 12 बजे के बाद हम लोग फिर निकलेंगे आगे, लखनऊ होते हुए कहां तक जा पाते हैं। बेस्ट ऑफ लक बॉस। अभी हम लोगों का बाइक रेडी हो गया, हम दोनों भी रेडी हो गए। ये रहा प्रॉपर्टी जहाँ पर हम लोग बैठे थे, होटल कटनी में हम लोग बैठे थे। काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है, जैकेट पहन लिया है, और ये नानू भाई तो जैकेट वगैरह पहन लिया है, मेरे को पहनना बाकी है। रेडी टू राइड, सुना क्या हम सब का शुरुआत हो रहा है, नए दिन नई शुरुआत, आपका शुभकामना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक।
चल बारू शिवाय हर हर महादेव जय माँ पाटनेश्वरी। नहीं अभी हम लोग चेकआउट करके रास्ते पर आ गए हैं। रास्ते तो ठीक ठाक बोल रहे हैं आगे में। अभी हम लोग ठहरे थे रेणुकूट में। यहाँ से हम लोग अभी लंच तक पहुँचेंगे, शायद प्रयागराज तक पहुँच जाएंगे। कोशिश तो यही रहेगा कि प्रयागराज पहुंच जाएं। कल की तरह भगवान आज की जर्नी भी सुखद और आराम से करवाए। हमारे पास पेट फुल हो गया है। करीबन 1100 रुपये का पेट्रोल आया है। अभी अपना टंकी फुल करना है। थोड़ा सा कहीं अच्छा जगह देख करके रोकेंगे, थोड़ा सा खाना पीना करके चाय वाय थोड़ा सा पियेंगे, फिर निकलेंगे अपना रास्ते पे। कोशिश रहेगा प्रयागराज 12 बजे तक पहुंचने के लिए। वैसे भी लेट हो गया, अपने को निकलना था 6 बजे, निकलते निकलते हो गया 8। एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ कि यूपी में ग्रीनरी बहुत है, बहुत प्यारा प्यारा सीन है। पूरा देखते देखते पर्वतों के अंदर से घुस जाते हैं, ऊपर निकल जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे आ जाते हैं। आप ही देखो, ड्राइव करने में भी मज़ा लग रहा है। अभी सूरज देवता अपना कहर बैठाना चालू कर दिए हैं। गर्मी बहुत है। कल हम लोग उड़ीसा बॉर्डर क्रॉस किए थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ बॉर्डर क्रॉस किया करके हम लोग आ गए थे, ये यूपी में घुस गए थे। रास्ते में वैसा कोई ट्रैफिक व्राफिक कोविड वगैरह का जैसे लोग बोलते हैं वैसा कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं। कोई भी कहीं पर अभी तक तो आ जा सकता है। अभी वाराणसी यहाँ से 153 हाथी ताल है, 9 किलोमीटर। ये वाराणसी रूट से हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग रास्ते से शायद टर्न ले लेंगे। हिली एरिया में गाड़ी चना में चलाने में मस्त लग रहा है। एक तो अभी मौसम भी ठंडा है, पहले सूरज देवता थोड़ा सा नाराज थे, बोला तो थोड़ा सा अभी कम कर दिए। और ये यूपी में इतना ग्रीनरी है, इतना हिल एरिया है ये, कि अच्छा लग रहा है चलाने में, एकदम। रोड भी टकाटक है, टकाटक होने से भी हम लोग गाड़ी को ज़्यादा नहीं भगा रहे हैं, वही 70-80 के अंदर ही है। मतलब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और ये भी ध्यान रखना पड़ता है भाई कि अगर हम लोग बाहर आए हैं तो घर पे भी अपना कोई इंतज़ार कर रहा है। संभल करके जाना, संभल करके आना। कभी भी लॉन्ग राइड पर जाओ तो ज़्यादा स्पीड नहीं चलाना, चाहे जितना भी अच्छा रास्ता मिले इतना चलाओ जितना आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अब रास्ता भी देखो कितना बढ़िया रास्ता है, शानदार बनाया है यूपी गवर्नमेंट ने।
মাছ জয় যাইছন গে হ্যাঁ দাদা কা করব অর্ডার গানা দিছো খাবার লাগি ভোক কলাম পরোঠা মিলু মিললা ওয়া পোয়া টিকে ভাল না লাগে তাহলে পরোঠা ও তরকারি অর্ডার করা হইছে ওয়েটিং রে অছো আও ইহা তো রোড ভাল মিলিছে ভাললা পরে আগকে দেখো এনু এলাবা তো রোড ভাল অছে বলি কইছন যেন যাকে পড়ালে ফিডব্যাক দউছন দেখো কানা জনা পড়বা কালির ঘুমরি তো এটা বাহারি যে পুরা আরে বহুত গরম হদ সে জাদা গরম হচ্ছে আর ডস্ট ভি বহুত দেখো দেখো নানু ভাই কেসে দবা দবা কর খা রে দবা দবা কর খা 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 আরে 2 ইঞ্চি পেট ঢুকি গলা না হলা কালি দিন বর না খাই পালি বল সে এটা বহুত পেট হে ভাই তেরা দেখো 2 ইঞ্চি পেট ঢুকি যে সবজি মে হাম লোগ মঙ্গায়ে রোটি পর আলু পরাটা ই কে কোন সা সবজি হে ভাই आलू पुटोल दे दे तरकारी आलू पुटोल तरकारी और ये है ओनियन ये प्याज बहुत खाओ जा रे बाबू ओइल ओइल प्याज अरे प्याज खाओ वाला का इम्यूनिटी बढ़ बाबू खा ले भाई खा ले दबा दबा कर खा भूख उल जे सखरो में खाए दे चला अभी हम लोग खाना वाना खा करके निकल गए हैं अभी सीधा हो सके तो हम लोग इलाहाबाद में जाकर के स्टे करेंगे अभी थोड़ा सा रास्ते में और कहीं नहीं रुकना है रास्ता तो अच्छा है जितना लगता है जल्दी पहुंच जाएंगे पूरा फोर लेन पड़ा है बोलते हैं देखते हैं आगे अगर अपलोड नहीं मिलता है तो बहुत अच्छी बात है देखिए कहाँ पहाड़ का चोटी पर इतना बड़ा फैक्ट्री बना हुआ है यार इतना पहाड़ के ऊपर में पूरा चोटी में बना हुआ है कौन सा प्लांट है वो तो पता नहीं है अगर सामने में जाने का पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ लेकिन पूरा कैसे करके बनाया है जो पूरा उधर से देखने से पूरा लग रहा था कि वो पहाड़ की चोटी में रखा हुआ है लेकिन मैं शायद रॉन्ग था एक्चुअली वो नीचे में है हम लोग ऊपर में थे बोल करके वो लग रहा था कि पूरा पहाड़ की चोटी में है बोल करके इधर बीच बीच में हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है यूपी गवर्नमेंट ने लिखा है अगर कहीं पर कोई इमरजेंसी वगैरह आता है तो वो नंबर पर कॉल करके हम लोग मदद मंगा सकते हैं अभी हम लोग अचलेश्वर तक पहुंच गए हैं ये वाराणसी रूट है वाराणसी जो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए फेमस है वही रूट पर हम लोग जा रहे हैं ओ दिस इज ये उल्टा था सीमेंट का है भैया फैक्ट्री है इसलिए इतना बड़ा फैक्ट्री पहाड़ का चोटी में जैसा दिख रहा था उल्टा टेक जो हम लोग सीमेंट यूज करते हैं उसी का ये फैक्ट्री है काफ़ी बड़ा प्लांट है ये देखिए कितना ऊपर कैसे चढ़ाई हो रहा है देखिए भैया ये पूरा पहाड़ के ऊपर ऊपर में चढ़ाई है ये पूरा मस्त है भैया पूरा लद्दाख जैसा फील आएगा लगता है अभी हम देखो कितना बढ़िया रास्ता बना हुआ है पूरा पहाड़ को काट करके पूरा पहाड़ के ऊपर ऊपर में हम लोग जा रहे हैं अभी अरे बाप खतरनाक वाला रास्ता है भैया रास्ता चौड़ा है मस्त है इतना हिल में भी रॉयल एनफील्ड का अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है टॉप गियर में चल रहा है वो भी 80 का स्पीड में ये सब आप देखिए कितना ऊपर है अरे बाप रे अब भी यहाँ से अपना यू टर्न लेंगे फिर ऊपर चढ़ेंगे चलो देखो कैसे पहाड़ को काट करके बनाए हैं पूरा पहाड़ कटा हुआ है और कोई लैंडस्लाइडिंग वगैरह भी कुछ नहीं है
के ऊपर इतना बढ़िया रास्ता को मेंटेन रखना अपने आप में ही एक चुनौती है। कहीं पर भी कोई गड्ढा गड्ढा कुछ नहीं है, एकदम आराम से। देखिए कितना ऊपर है, इतना बढ़िया बढ़िया नज़ारा है। किसको काटे किसको रखे समझ में नहीं आता है। लगता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लगता है जाम हो गया रास्ता, कहीं पर कुछ हुआ है। ये माता रानी का मंदिर है, अरे बाप इसके ऊपर भी टोल गेट। आ गया टोल गेट, लेकिन बाइक में आने का एक फायदा है कि अपने को टोल देना नहीं पड़ता है। वही बढ़िया रास्ता में चलाओ और खा पी करके हजम कर दो और कोई पैसा मत दो। अभी हम लोग मिर्ज़ापुर का रोड में घुस गए हैं। ये मिर्ज़ापुर से होते हुए इलाहाबाद में हमको पहुँचाएगा, फिर उधर से हम लोग आगे लखनऊ जाएंगे। लखनऊ अराउंड यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर है, 400 थोड़ा सा आगे पीछे है, एक्यूरेट मेरे को नहीं पता है, 400 से आसपास है। वो वाराणसी वाला रास्ता हम लोग छोड़ दिए हैं और अभी इलाहाबाद रास्ता पकड़े हैं। टाइम हो चुका है दोपहर का 12:02। हमारा टारगेट था कि आज अभी दोपहर तक हम लोग 12 बजे तक प्रयागराज पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंच तो नहीं पाए यार। अभी और कितना किलोमीटर है वो पता नहीं है, लेकिन खाना तो प्रयागराज में ही खाएंगे। रास्ता अच्छा है लेकिन अभी फोर लेन नहीं है। जहाँ जब से हम लोग वाराणसी रोड छोड़ दिए तब से और फोर लेन नहीं है, बाकी डबल रोड है। पहली एक्ट है, देखिए कम से कम 400-500 फीट हाइट होगा ये नीचे से। मस्त प्यारा नज़ारा है, देखिए अभी हम लोग मिर्ज़ापुर क्रॉस कर रहे हैं।
ये NH 35 में हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा सिटी है, काफ़ी थोड़ा सा रॉस भी है। नागपुर 682। अपने को तो उधर जाना नहीं है, हमको तो जाना है इलाहाबाद। किसी से पूछना पड़ेगा इलाहाबाद कितना दूर है। ये गूगल अंकल भी ना पूरा टाउन के अंदर घुसा दिए, घुसा घुसा कर परेशान कर दिए। अभी बोल रहे हैं फिर राइट मोड़ो, पूरा टाउन के अंदर घुसा दिया। ये रास्ता है कि हम लोग गूगल से गलत आदेश में आ गए पता नहीं यार। जी सही लिखा हुआ है प्रयागराज 90 चित्रकूट 225। हाँ अपने को तो प्रयागराज जाना है और 90 किलोमीटर है, लगभग 1.5 घंटा लगेगा। मतलब अब भी कितना टाइम हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे कितने सारे एम्बुलेंस खड़ा है, वजह क्या है वो तो नहीं पता भी है। ये बोलने से भी 50-60 से ऊपर एम्बुलेंस होगा। इतना बढ़िया है कि सारा गाड़ी चलाने को मन कर रहा है, भगाने को मन कर रहा है। 6 लेन है भाई, सब गाड़ी 100, 120, 130 का स्पीड में भाग रहे हैं। फ्लाईओवर तो कम से कम 10-15 तो हम लोग देख चुके होंगे, अभी और कितना है जो पता नहीं है। हर एक किलोमीटर आधा किलोमीटर में एक तो फ्लाईओवर आ रहा है, और फ्लाईओवर भी बहुत सुंदर है, देखने लायक है कि ये 6 लेन है। भैया ये प्रयागराज किस तरफ है? प्रयागराज हैं वो ऊपर से, और ये कानपुर जाएगा। आउटर कैन जगह जी बात है बाबू, लखनऊ कौन सा वाला सा? लखनऊ ये भी जाएगा, मतलब वो प्रयागराज बाहर रह जाएगा, ये बाहर बाहर भैया होते भी लखनऊ जा सकते हैं। अच्छा शॉर्टकट कौन सा है, मतलब कौन सा रास्ता शॉर्ट पड़ता है, छोटा पड़ता है? ये सब शॉर्ट पड़ेगा, ये अंदर से प्रयागराज घूम करके जाएगा हैं? अच्छा तो इसी में लखनऊ निकल जाए से कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? ये भी आगे से मिल जाएगा प्रयागराज से आगे, ये भी रोड मिल जाएगा। अच्छा यहाँ से कितना होगा कि किलोमीटर लखनऊ? हाँ लखनऊ आप बोर्ड लगाए आगे देख लीजिए। अच्छा ठीक है थैंक यू। बोलो भैया खाने में क्या है? जीरा आलू आलू मटर मटर मसाला मटर पनीर शाही पनीर चना मसाला सेव भाजी सेव टमाटर दाल अरहर की। हो गया क्या उतना है? बस अभी प्याज पराठा है, पनीर पराठा आलू पराठा पनीर भुजिया